हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय वीडियो एंड होप यू गाइस आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड अपने घर में हूँ एंड खुद को सेफ एंड सिक्योर भी फील कर रही हूँ एंड आपके लिए वीडियो बनाने भी चली आई हूँ। तो गाइस के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप ब्रश का किट। सो आई थिंक कि आपको पता होगा कि मेकअप करने के लिए मेकअप ब्रशेस एसेंशियल्स है, तो कहाँ से आप लोगों को कम प्राइस में ब्रशेस मिल जाएंगे, कहाँ से आप लोग ब्रशेस खरीद सकते हो कम प्राइस में, महंगे ब्रशेस कहाँ से आपको मिल जाएंगे, मतलब कम प्राइस में आपको महंगे जैसे दिखने वाले ब्रशेस कहाँ से मिल जाएंगे वो बताऊँगी। बिकॉज मैं अपने हर एक वीडियो पर हमेशा यही दिखाने की कोशिश करती हूँ, सारे अफोर्डेबल चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि सभी लोग इतने मतलब महंगी चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते, अफोर्डेबल चीज़ें ही खरीदना पसंद करते हैं, बिकॉज वो लोग सेव करते या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मेकअप में यू नो जितना कम हो सके ब्रशेस वगैरह में वो लोग परचेज़ करना चाहते हैं, बट मिलता नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद भी मेकअप ब्रशेज़ नहीं मिलता। एंड कौन कौन से ब्रशेस चाहिए इसके ऊपर भी आपको बहुत सोचना पड़ता है कि कौन कौन से ब्रशेस लिया जाए। तो इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो किया है कि एसेंशियल बेस मेकअप एंड आई मेकअप ब्रशेज दैट यू नीड टू डू योर बेस मेकअप एंड आई मेकअप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड उस वीडियो पे मैंने क्या किया था कि चार आई मेकअप ब्रशेस दिखाए थे, वो तो आपको मैंने वहाँ पे फुल रिव्यू दिखा दिया था, बट कुछ बेस मेकअप ब्रशेस मैंने दिखाया था, बट वहाँ पे मैंने आपको टोटल सेट नहीं दिखाया। सो आई थिंक कि आज इस वीडियो पे मैं आपको इस वाले जो पाउच है लेदर बैग, इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेस से इसका दिखाऊंगी वीडियो। सो प्राइस एंड ऑल डिटेल्स वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा, फोटो के मतलब मैं एडिट करूंगी लास्ट में, बिकॉज मुझे अभी प्राइस याद नहीं, भूल गई मैंने। आप लोग कहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो ये भी बताऊंगी। सो इफ यू आर मेकअप लवर देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। गाइस उस वाले वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड इफ यू आर अ मेकअप लवर देन प्लीज 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 कीप ऑन वॉचिंग। एंड एक और थिंग कहूंगी कि प्राइस वगैरह सब मैं बाद में एडिट करूंगी, सो वो बाद में आपको दिख जाएगा, बिकॉज अभी मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल प्राइस वगैरह सब कुछ। सो अगर मैंने एक बार दो बार बोल दिया, मतलब एक बार अगर मैंने दो बार बोल दिया, मेरा वोकैबुलरी को इग्नोर करो, बिकॉज मैं पागल हूँ, मैं भुलक कर दूँ मैं सब कुछ। अभी मैं दिखाती हूँ। सो ये वाला जो ब्रश का सेट आता है वो इस लेदर बैग में आता है, तो इसके अंदर कौन कौन से ब्रशेस है, इसका प्राइस कैसा है, एंड इससे मैंने कुछ ब्रशेस आपको दिखाए थे, तो इसलिए सोचा कि चलो आज वीडियो में पूरा का पूरा जो सेट है दिखा देती हूँ। एंड अगर आप लोग इसको परचेस करते हो, इसके साथ आपको वो चार आई मेकअप ब्रशेस भी परचेस करने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश एंड स्मोकी आई मेकअप करने के लिए जो ब्रश है वो नहीं मिलता, सो आपको वो परचेस करने पड़ेंगे। इसीलिए उस वीडियो को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट, सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो डू लाइक दिस वीडियो, सो थम्स अप फॉर दिस वीडियो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और एक छोटा सा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ ब्लॉग्स एंड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, एंड मेरे फ्यूचर ब्लॉग्स वीडियोज नोटिफिकेशन जो भी बनाऊँ सबसे पहले आपके मोबाइल पर ही आ जाएंगे। एंड शेयर एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव एटसेट्रा, स्पेशली दोज हुआर मेकअप लवर्स, एंड जो लोग रिसेंट सोच रहे हैं कि मेकअप ब्रशेस में परचेस करेंगे उनके साथ ये दोनों वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करते हैं तो नो प्रॉब्लम, इसमें लिंक तो है ही, वहाँ से वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हो मेरे वीडियो को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना, देन प्लीज़ यू कैन डू दैट, देयर इज़ फुल परमिशन, बट आपको वीडियो शेयर करते वक्त कोई भी नेगेटिव कमेंट या फिर नेगेटिविटी नहीं फैलाना, आपको पॉजिटिवली करना है, कोई भी बुरा वाला कमेंट नहीं लिखना, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है, वो परमिशन नहीं है। शेयर कर सकते हो कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम, हमेशा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, एंड स्टोरीज एंड डीएम्स में बताती रहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा एंड क्या प्लानिंग है, वो सब कुछ बताती रहती हूँ। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड एक और बात कहना चाहूँगी, दैट इज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना मत भूलना कि वीडियो कैसा बना था, नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहोगे, एंड अगर कोई सजेशन हो देन यू कैन यू फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सजेशन और इवन टू गिव मी एनी काइंड ऑफ टिप्स। अगर आपको मुझे कुछ टाइप के टिप्स या फिर कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, मैं हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज अगर आप लोग मुझे कहोगे, बिकॉज यू ऑल आर माई ऑडियंस, तो आप किस तरह के वीडियो पसंद करते हो मुझे वो जानना बहुत ही जरूरी है, उस टाइप की वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ ये भी लिख देना, अगर कोई
क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी है, कुछ किसी भी चीज़ को लेके, मेकअप रिलेटेड या फिर इस वीडियो को लेके या फिर इस ब्रश को लेके, पैलेट को लेके, मतलब सेट को लेके, ब्रश के सेट को लेके, देन प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर आंसर करूँगी। तो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये जो है लेदर बैग, ठीक है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है एंड प्राइस मैंने पहले ही बता दिया कि बाद में वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा आपको इसका प्राइस कितना है। आई थिंक इसका प्राइस 350 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है, लेदर बैग में आता है, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, ठीक है, एंड कुछ भी डैमेज प्रोडक्ट मुझे नहीं मिले। ब्रशेज़ बहुत ही सॉफ्ट है, ब्रिसल्स भी बहुत सॉफ्ट है, मैं 1 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड ब्रिसल्स बिल्कुल भी रफ़ नहीं है स्किन से, मतलब एलर्जी भी नहीं हो रही है इसको, ब्रशेस को यूज़ करने के बाद। बहुत ही स्किन फ्रेंडली ब्रशेस से, इको फ्रेंडली ब्रशेस से एंड बहुत अच्छे ब्रशेस है, तो आप प्लीज़ इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बिफोर दैट गाइज, एक चीज़ बताऊंगी कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टेक इट एज अ रिव्यू वीडियो। सो इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है लेदर बैग में, आपको मतलब अलग से कोई ब्रश के लिए कुछ बैग वगैरह खरीदने नहीं पड़ेंगे, सो इंक्लूडेड है। सो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। सो मुझे आपको आई थिंक कैमरा में नहीं दिखाएगा बिकॉज मैं बहुत करीब से कैमरे में हूँ, तो यहाँ से ऐसे दिखाती हूँ एंड ये वाला एक है कुछ, इसको थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ। आई थिंक अब ये ब्रशेस अच्छे से दिख जाएंगे आपको। आपको जहाँ पे भी आपका मन चाहे आप लोग जूम करके देख लीजिए, ठीक है। सो अभी मैं एक एक इंडिविजुअल ब्रश को आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। गाइस, फर्स्ट ब्रश दिखाती हूँ मैं, तो ये है फर्स्ट ब्रश एंड अच्छे से यहाँ पे प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है, ठीक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट ऑन, एक चीज़ बताऊंगी कि हर एक ब्रशेस का ब्रिसल बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। जब भी आप स्किन में ऐसे ऐसे करते हो तो कोई भी हार्श कुछ भी फीलिंग नहीं आता है, बहुत ही अच्छा एंड लॉन्ग लास्टिंग में है बिकॉज मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे अभी तक इसमें कोई भी हार्शनेस फील नहीं हुआ। सो बहुत ही अच्छे ब्रशेस है ये, ज़रूर इस पर आप लोग इन्वेस्ट कीजिए एंड आप लोग फ्लिपकार्ट से कैसे इसको खरीद पाएंगे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। फोटो के हिसाब से आपको बताऊंगी। सो ये एक पाउडर ब्रश है, ठीक है, इसमें टोटल 24 ब्रश है, ये एक पाउडर ब्रश है, ठीक है। सो दिस इज़ अ पाउडर ब्रश, तो इससे हम लोग पाउडर को लगा सकते हैं हमारे फेस पे सेट करने के लिए कहीं पे भी। तो अभी नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो अ पाउडर ब्रश, मतलब ये दोनों पाउडर ब्रश ही है, मतलब यहाँ पे एक ब्रश दो है इस तरह के। तो ये मैं एक्सेस प्रोडक्ट को ऑफ करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड ये वाला जो ब्रश है इसको मैं एक्सेस प्रोडक्ट को ऑफ करने के लिए यूज़ करती हूँ, सॉरी दो बार बोल दिया, एंड इसको मैं यूज़ करती हूँ पाउडर लगाने के लिए, ठीक है। सो ये था दोनों ब्रशेस एंड अभी चलो चलते हैं हाईलाइटिंग ब्रश के और। सो ये एक फैन ब्रश, ठीक है गाइस, तो इससे आप मैं क्या करती हूँ नोज़ को हाईलाइट करती हूँ बिकॉज ये छोटा फैन ब्रश है, नोज़ वगैरह चीन फोरहेड को हाईलाइट करती हूँ। सो ये एक छोटा हाईलाइट ब्रश है, हाईलाइटर ब्रश, जिसको हम लोग फैन ब्रश भी कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक जंबो वाला बड़ा वाला हाईलाइटर ब्रश है, तो इसको मैं हमेशा चीक बोन्स के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अभी गिर जाता, फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। तो इससे हम लोग फाउंडेशन लगा सकते हैं या फिर अगर आप लोग चाहते हो तो कोई भी पैक, फेस पैक या फिर कुछ भी लगा सकते हो इससे, बट मैं इसको फाउंडेशन लगाने के लिए नहीं यूज़ करती, मैं इसको यूज़ करती हूँ फेस पैक वगैरह लगाने के लिए बिकॉज़ मैं फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना पसंद करती हूँ ज़्यादा, मैं ब्रशेस नहीं यूज़ करती, बट यू कैन यूज़ इट एज बोथ, ठीक है, फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज़ अ कॉन्टूरिंग ब्रश, दैट इज़ अ स्मॉल एंगुलर, मतलब इस तरह का एक एंगुलर ब्रश, ठीक है, ये एंगुलर है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एंगुलर। सो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी कॉन्टोर कर सकते हो चीक बोन्स को एंड यहाँ फोरहेड पे भी कर सकते हो, जॉय लाइन पे भी कर सकते हो, बट नोज़ में आप से ब्लेंड कर सकते हो बिकॉज नोज़ कॉन्टोरिंग करने के लिए ब्रश बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग शार्प कॉन्टोरिंग चाहते हो नोज़ में देन प्लीज़ इसको मतलब यूज़ नहीं कर सकते आप लोग।
सो अभी नेक्स्ट है एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, नॉट आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश एट ऑल, आई शेडो मतलब ग्लिटर व्लिटर लगाने के लिए, आई शेडो ब्रश नॉट ब्लेंडिंग ब्रश सॉरी, इसका जो प्लास्टिक है वो मुझसे खो गया, ठीक है। एंड इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आई शेडो लगाने के लिए आई लिड्स पे, बट ब्लेंड करने के लिए ये वाला नहीं है, सिर्फ ग्लिटर लगाने के लिए या फिर आई शेडो लगाने के लिए, इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ब्रश की ओर। सो ये है एक छोटा एंगुलर ब्रश, सो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, ब्राउ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ब्राउ अगर आप लोग ब्राउ प्रोडक्ट से ड्रॉ करते हो देन दिस इज़ परफेक्ट, छोटा एंगल ब्रश, सो आप इजिली ब्राउ ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, सो ये है एक लिपस्टिक ब्रश, ठीक है। सो इससे मैं हमेशा लिप लाइन करती हूँ, लिपस्टिक ब्रश, इसको लिपस्टिक ब्रश कहते हैं। एंड ये भी बहुत फ्लेक्सिबल है, टूट नहीं जाएगा, आई एम श्योर फॉर दैट, ओके। एंड देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक छोटा, यू नो, छोटा ब्रश। इसको अगर आप लोग चाहते हो देन काजल वगैरह लगाने के लिए या फिर आईलाइनर लगाने के लिए, देन दिस इज़ परफेक्ट, बिकॉज बहुत ही छोटा ब्रिसल्स इसका, बहुत ही छोटा साइज़ में, तो आपको लगाने में मतलब तकलीफ नहीं होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी एक छोटा ब्रश है, तो इसको मैं हमेशा क्या करती हूँ कि आईलाइनर स्मच करना जब होता है तब इससे मैं स्मच करती हूँ, ठीक है। बट इस सेट में जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो है कि एक टाइप के ब्रश बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड चलिए अभी नेक्स्ट के और बढ़ते, तो ये है एक आईब्रो ब्रश, तो इस साइड से आप अपने आईब्रो को ब्रश कर सकते हो एंड इस साइड से आप अपने आईब्रो को कॉम कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी ये भी एक छोटा ब्रश है, तो इसको मैं इस्तेमाल तो करती नहीं हूँ, बट आप इसको लोअर लैश लाइन पे कलर ड्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। एंड अभी सॉरी मैं हमेशा उल्टा पकड़ती हूँ, ये भी एक छोटा ब्रश है, तो आप इसको इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट एक टाइप के ब्रश बहुत सारे, ये अलग अलग ही ब्रश से एक नहीं है सभी, ये वाला। सो इसको भी आप लोग यू नो ब्राबोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और क्या कहूँ, एक टाइप के बहुत सारे हैं। एंड ये भी एज अ आईलाइनर ब्रश आप लोग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये छोटे छोटे ब्रशेस बहुत है इसके अंदर, ठीक है। एंड ये वाला एक ग्लिटर लगाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल आई शेडो ब्रश है, बट इसमें जो चीज़ नहीं है वो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, स्मोकी आई मेकअप करने के लिए ब्रश, तो उसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसके बारे में बात कर रही थी। एंड ये भी एक छोटा ब्रश, तो इससे क्या कर सकते हो आप लोग, मतलब अगर आप लोग नोज़ कॉन्टोरिंग शार्प करना चाहते हो देन इससे यू नो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सो मतलब अगर इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपके आपसे अगर ब्रश गुम जाते हैं देन यू कैन यूज़ देम एज अ रिप्लेस, अगेन अ छोटा ब्रश, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रशेस है, सो इससे आप लोग जो भी चाहते हो कर सकते हो, बट यू नो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लोग डबल कट क्रीज आई मेकअप कर रहे हो या फिर कट क्रीज, तो कट क्रीज में कंसीलर से आप लोग कर सकते हो, कंसीलर लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो इस तरह से शेप में, और क्या बताओ, कुछ बताने को है ही नहीं। देन अगेन आई शेडो ब्रश, तो इससे आप लोग कंसीलर लगा सकते हो अपने आईलिड्स पे, मैं ऐसे बना बना के बता रही हूँ, अभी भी बहुत सारे हैं देखते। अगेन अ छोटा ब्रश, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लिप में हाइलाइटिंग कर सकते हो, और कुछ बोलने को नहीं बचा, देखते और क्या। सो ये है एक स्मॉल एंगल ब्रश, तो एंगुलर ब्रश से आप यू नो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप लोग चाहते हो देन छोटा आईलाइनर बना सकते हो, विंग लाइनर इस तरह पे इसको प्लेस करके, छोटा एंगुलर ब्रश। अभी अगेन अ छोटा ब्रश, तो इससे आप लोग अपनी लिप को कॉन्टोर कर सकते हो, मतलब मैं बना बना के बोल रही हूँ, बट एक तरह के बहुत सारे ब्रशेस है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेट। अगेन अ लिपस्टिक ब्रश, तो इसको एज अ लिपस्टिक आप लोग यूज़ कर सकते हो, लिपस्टिक ब्रश वो वाला लिप लाइन करने के लिए ना, इसको लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। सो अभी लास्ट एक बचा है, देखते क्या है। सो स्पूली, या स्पूली इसमें कुछ लगा हुआ, तो स्पूली से आप लोग मस्कारा भी लगा सकते हो या फिर ब्राउज को भी यू नो ब्राउ प्रोडक्ट में, मतलब ब्राउ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ब्राउ में। सो आप देख सकते हो गाइस, ये टोटल खाली हो गया, मैं सारे के सारे यू नो निकल लिए मैंने। ये लेदर बैग भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे यू नो ऐसे करके शेप किया है जहाँ पे आप लोग इजीली ब्रशेस को रख सकते हो, अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक हैंडल भी दिया गया है अच्छे से इसको
बांधने के लिए। सो आई होप दैट कि आपको अच्छा लगा रिव्यू। गाइस अभी मैं बताऊंगी इस ब्रशेस के बारे में कुछ, कि मतलब इस टोटल सेट के बारे में कि क्या मुझे अच्छा लगा क्या बुरा चीज़ लगा, बिकॉज मैं इस ब्रशेस को यूज़ कर रही हूँ एक मंथ से यूज़ कर रही हूँ, एंड मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि किस तरह के है ब्रशेस, क्या बुरा लगा मुझे क्या अच्छा लगा। तो बुरा चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो बुरा जो लगा कि एक तरह के ब्रशेस, छोटे छोटे ब्रशेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपसे घूम जाते हैं देन यू कैन रिप्लेस इट, बट देन ऑल्सो मतलब वेस्ट जब मनी होगा ये, बट फिर भी ठीक ठाक इतने कम प्राइस में हमको इतने इससे अच्छा यू नो ब्रश का सेट नहीं मिलेगा। और एक जो बुरा चीज़ लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस नहीं है, जैसे कि आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, स्मोकी आई मेकअप करने के लिए ब्रश, टेपर्ड ब्रश, ये सारे आई शेडो ब्रश प्रोवाइडेड नहीं है। अगर वो लोग इसके अलावा उसको रिप्लेस कर देते देन ये अच्छा हो जाता, बट उन्होंने नहीं किया ऐसा। सो ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगे। तो अगर आप लोग आई मेकअप के लिए अलग से ब्रशेस खरीदना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अभी जो बताती हूँ अच्छी चीज़ें कि ब्रश बहुत अच्छे हैं, ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है, निकलते नहीं है, एक मंथ से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड स्किन पे हार्शनेस भी फील नहीं हो रही है, ठीक है। एंड बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर के हैं, एंड अच्छे से पैकिंग भी है, एक लेदर बैग भी इन्होंने दिया है, ठीक है, पैकेजिंग में आया है। यहाँ पे यू नो आप लोग अपने ब्रशेस, आई थिंक उल्टा दिखा रही हूँ मैं, सॉरी। सो यहाँ पे लेदर बैग है, सो यहाँ पे यू नो ऐसे ऐसे चेन्स हैं, मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग अपने ब्रशेस को इजीली रख सकते हो। एंड यहाँ पे यू नो ये दो रस्सियाँ भी हैं, बांध सकते हो इसको इजीली रोल करके, एंड इतने कम प्राइस में, मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छा है इनफैक्ट, एंड प्लास्टिक के यू नो शीट के अंदर आता है ब्रशेस, ताकि आप यूज़ करने के बाद अच्छे तरीके से रख सकते हो। एंड इसके लिए कुछ अलग से यू नो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके अंदर ऐसे ही रख सकते हो आप लोग, कुछ अलग से यू नो कुछ बॉटल वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब भी ब्रशेस से आप लोग यू नो कलर निकलने की कोशिश करते हो अच्छे से निकल जाता है, ज़्यादा हैसल नहीं, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो पाउडर प्रोडक्ट होते हैं ऐसे ऐसे घिस दिया तो निकल जाते हैं, सो रिमूविंग मतलब होता है ना कुछ ब्रशेस में प्रोडक्ट चिपक जाता है, तो इस तरह का नहीं है। एंड कम प्राइस में बहुत अच्छे ब्रशेस है, सो मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर जाइए, इसको परचेज कीजिए। बट अगर आप लोग इसके साथ आई मेकअप ब्रशेस भी चाहते हो देन उसको भी खरीद लीजिए, ठीक है। वो 99 वाला आई मेकअप पैक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो दिस वॉज टोटल रिव्यू, सो इनफैक्ट अच्छा लगा, सो मैं इसको 10 में इसको दूंगी 8, बिकॉज दो चीज़ों के कारण मैं इसको नहीं दे सकती मार्क्स। ओके आई एम गोना गिव इट 7 out of 10, बिकॉज इसमें एक तरह के ब्रशेस बहुत सारे हैं, एंड जो टेपर्ड ब्रश, स्मोकी आई मेकअप करने के लिए ब्रश, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, तो इस चीज़ के लिए 3 marks तो कटना बनता है। सो या दैट वॉज रेप ऑन दिस वीडियो। या गाइस तो वीडियो खत्म हो चुका है, यही तक था वीडियो। सो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, सो इफ यू हैव रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, जो बता दिया पहले वाशन वही सब कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर आप एक मेकअप लवर हो देन आपको बहुत सारा यू नो टिप्स मिल गया ब्रशेस के बारे में, बहुत सारे ब्रशेस देखने को मिल गए। एंड अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे क्या सर्च करना है वो मैं एंड पे आपको बता दूंगी फोटो के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आप लोग रिसेंटली ब्रश परचेज करने वाले हो देन इसके साथ एक 99 वाला भी आता है ब्रश, मतलब इसके साथ फ्री नहीं है, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो उसमें आई मेकअप के भी ब्रशेस है, तो वो अगर आप लोग ने खरीद लिया देन आपका टोटल मेकअप कॉम्बो खत्म हो जाएगा, मतलब टोटल मेकअप के लिए जितने ब्रशेस लगेंगे सभी आपको मिल जाएंगे, बस आई थिंक अंडर 500 rupees आपका मेकअप ब्रशेस हो जाएंगे पूरा, एक नहीं मतलब 24 यहाँ पे थे 28 ब्रशेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप दैट यू रियली 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 एंजॉयड दिस वीडियो, एंड सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बाय गाइज, प्राइज वगैरह एंड सब कुछ मैं वीडियो के एंड पे दे दूंगी, सो देखते रहो। एंड अगेन वंस अगेन बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, एंड एवरीथिंग जस्ट फाइन रहे, आप सब लोग ठीक रहे, यही गॉड से प्रे करूंगी। एंड या गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय गाइज।